हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आपने देखा बारिश हो गई थी और हम बैजनाथ पहुंचने वाले थे, तो बैजनाथ के इवनिंग के दर्शन कर लेते हैं पहले। आज 18 जून 2019 है। आज हम फिर से सुबह बैजनाथ मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। आज का हमारा सफ़र 75 किलोमीटर का रहेगा। हम बैजनाथ से चलकर पालमपुर से होते हुए धर्मशाला मैकलोनगंज पहुंचेंगे। बैजनाथ का मंदिर कांगड़ा में स्थित है। यह मंदिर रावण द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है रावण ने तीनों लोकों पर राज करने के लिए कैलाश पर जाकर भगवान शिव की पूजा की थी और उसने अपने 10 के 10 सिर काट के हवन में चढ़ा दिए थे और भगवान शिव ने उसे प्रसन्न होकर शक्तियां भी दी थी। उसके बाद रावण ने भगवान शिव से लंका में बसने के लिए कहा था। भगवान शिव ने उसे कहा था कि शिवलिंग को ले जाकर जहाँ पे वो शिवलिंग को रखेगा वहीं पर उसे मंदिर बनाना पड़ेगा। तो रावण को लंका जाते हुए रास्ते में रुकना पड़ा, तो बैजनाथ में ही उसने एक गडरिये को शिवलिंग पकड़ा दिया और उसे कहा कि वो बाद में आके शिवलिंग को ले लेगा। शिवलिंग बहुत भारी था, इसलिए गडरिये ने शिवलिंग को धरती के ऊपर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसने देखा शिवलिंग नीचे रख दिया गया था, तो रावण ने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की लेकिन वो शिवलिंग को उठा नहीं पाया, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था कि जहाँ पर शिवलिंग को रखा जाएगा वहीं पर उसे मंदिर बनाना पड़ेगा। तो रावण भी समझ गया कि क्या लीला भगवान की है। तो रावण ने यहीं पर भगवान शिव का मंदिर बनाया था जो बैजनाथ के नाम से आज प्रसिद्ध है। मंदिर मेन सड़क के बिल्कुल साथ है। यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। मंदिर के पास ही बहुत सारे होटल हैं जहाँ पर स्टे किया जा सकता है। बस स्टैंड भी मंदिर के बिल्कुल पास है और यहाँ पर ज़रूरत की सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं।
बैजनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए बैजनाथ से 5 किलोमीटर दूर महाकाल मंदिर की तरफ हम चल पड़े। यहाँ पर हमें बहुत से वाइल्ड बर्ड्स, महाकाल मंदिर का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और रास्ता बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है, यहाँ आराम से पहुँचा जा सकता है। महाकाल मंदिर के बारे में भी काफ़ी कहानियाँ प्रचलित हैं। यहाँ पर जो शिवलिंग है उसके ऊपर जल या दूध जो चढ़ाया जाता है वो मंदिर से बाहर नहीं आता। बाकी मंदिरों में आपने देखा होगा पानी या दूध जहाँ भी चढ़ाया जाता है तो बाहर आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि दूध और पानी जाता कहाँ पर है। इसी तरह यहाँ पर पांडव भी आए थे। पांडवों ने यहाँ पर महाकाल की आराधना की थी और इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर में जब सप्तऋषि इस एरिया की आराधना कर रहे थे तब उन्होंने यहाँ पर 7 कुंडों का निर्माण किया था, जिसमें से 4 कुंड मंदिर के अंदर हैं जो शिव कुंड, विष्णु कुंड, सती कुंड और शिव कुंड हैं। इसके अलावा 3 कुंड मंदिर परिसर से बाहर हैं। लक्ष्मी, कुंती और सूर्य कुंड मंदिर परिसर से बाहर हैं।
हमारे रूम के बाहर ही 5-6 नेवले हमें दिखाई दिए, लेकिन इनसे कोई ख़तरा नहीं है, ये यहाँ सेफ्टी पर्पस के लिए ही है। डिटेल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। In the studio. वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।